हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लेनेशन अवर चैनल पर। आज का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कॉन्जरिंग 3 मूवी पर। फिल्म की कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 1981 में, जहां हम एड और वॉरेन को देखते हैं, जो डेविड ग्लैडजेल नाम के 8 साल के बच्चे का एक्सोसिज्म डॉक्यूमेंट करने आए होते हैं और इस एक्सोसिज्म को फादर गॉर्डन करने वाले होते हैं। जहां हम आगे देखते हैं कि डेविड के पिता, उसकी बहन डेबी ग्लैडजेल और डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने को भी देखते हैं। आर्ने डेविड को काफ़ी पसंद करता था। डेविड जब अपने कमरे में होता है तो उसे नॉक नॉक सुनाई देती है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और बाथरूम में भागता है। बाथरूम में डेविड को एक हाथ दिखता है, जिसके बाद शावर से खून निकलने लगता है, जहाँ डेविड बहुत चिल्लाता है। डेविड की आवाज़ सुनकर सभी बाथरूम में आते हैं। तब तक डेविड पजेस हो चुका था। पदेश हुए हालत में डेविड अपने पिता पर वार कर देता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है और अपने पावर से दीवारों पर स्क्रैचेस करने लगता है। तभी वह फादर गॉर्डन आ जाते हैं और तुरंत ही डेविड का एक्सोसिज्म शुरू कर देते हैं। इस एक्सोसिज्म के दौरान डेविड काफी गुस्सा होकर सब पे वार करने लगता है और वॉरेन जब उसे टच करती है तो उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। उसके बाद डेविड एड पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दिल रोक दूंगा, जिसके बाद आर्नी डेविड को पकड़ता है और उस डीमन से कहता है कि वो डेविड को छोड़कर उसे पजेस कर ले, जिसके बाद डेविड ठीक होने लगता है और आर्नी के शरीर में वो डीमन चला जाता है। अब डेविड की जगह आर्नी पजेस हो गया था। सबको लगता है कि एक्सोसिज्म सक्सेसफुल हो गया है और उसी दौरान एड को हार्ट अटैक आ जाता है और अटैक के कारण एड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद हम आर्नी और टीवी को ब्रुकवे शहर में देखते हैं, जहां वो ब्रूनो नाम के आदमी के यहाँ काम कर रहे होते हैं और ये दोनों ब्रूनो के ही अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन आर्नी वहां से निकलना चाहता था। आर्नी को वहां कुछ अजीब फील होता था, जैसे कोई औरत उस पे अटैक कर रही हो। एक दिन आर्नी कटर से पेड़ काट रहा होता है, तभी फिर एक बार उसे वो औरत दिखती है, जिसकी वजह से उससे वो कटर गिर जाता है। आर्नी बहुत घबरा जाता है। आर्नी तुरंत वहां से घर चला जाता है, जहां घर पे ब्रूनो ड्रिंक कर रहा होता है, जो आर्नी को भी उसके साथ ज्वाइन होने के लिए बोलता है। ब्रूनो डेवी के साथ डांस करता है और वो आर्नी को भी डांस करने कहता है, लेकिन आर्नी काफी डरा हुआ होता है। उसे ब्रूनो में डीमन दिखता है, जो डेवी पे अटैक कर रहा है, जिसके चलते आर्ने डेवी को लेकर भागता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। आर्ने को लगता है कि ब्रूनो डीमन बनके उसे मारने वाला है, इसलिए आर्ने उसे मार डालता है। दूसरी तरफ एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि अब डीमन आर्ने के अंदर है। तब लॉरेन ऑफिसर थॉमस को कॉल करके कहती है कि ब्रुकफील्ड किनल्स पे कोई घटना हो सकती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आर्नी पजेस हुए हालत में सड़कों पे चल रहा था, जहां एक पुलिस वाला उसे रोकता है और डीमन आर्नी के शरीर से निकल जाता है और हम देखते हैं कि आर्नी के कपड़े पूरे खून से भरे होते हैं। आर्नी ने ब्रूनो पर 22 बार वार किया और पिछले 193 इयर्स में ये ब्रुकफील्ड की पहली मर्डर केस थी। जेल में वॉरेंस आर्नी से मिलने जाता है, जहां आर्नी बाइबल रिसाइट कर पाता है, जिसका मतलब था कि फिलहाल वो डीमन के पजेस में नहीं था। फिर वॉरेंस आर्नी के लॉयर से मिलकर उसे जज के सामने पजेशन वाली बात कहने को बोलते हैं, लेकिन लॉयर ये सब बोलने से इनकार कर देते है, क्योंकि कोर्ट में ऐसी हियरिंग सफल नहीं होती। यहाँ एड उसे बोलता है कि अगर जज को भगवान पे भरोसा है तो उन्हें डेविल को भी मानना पड़ेगा। तो 19 सितंबर 1981 में डैम्बरी सुपीरियर कोर्ट में आर्नी की सुनवाई होती है। यहाँ वो आर्नी निर्दोष है ऐसा बताती है, क्योंकि आर्नी ने डीमन के पजेशन के चलते ये मर्डर किया था। आर्नी को डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली होती है, क्योंकि कोर्ट डीमन पजेशन वगैरह को नहीं मानता। उसके बाद लॉरेन कहती है कि आर्नी का डीमन अचानक आर्नी से गायब हो गया, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए एड एंड लॉरेन एक्सोसिज्म वाले दिन की टेप रिकॉर्डिंग सुनते हैं और यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां आर्नी और डेबी डेविड के साथ पहली बार इस घर में आए थे। उस घर में एक वाटर बेड था, जहां डेविड उस पे खेलने लगता है। उस वाटर बेड में एक डीमन होता है, जो डेविड को अंदर खींचने की कोशिश करता है।
डेविड उस डीमन के अटैक से बच जाता है, लेकिन पानी की वजह से वहाँ का वुडन फ्लोर खराब हो जाता है। उसके बाद लॉरेन घर के नीचे एक छोटे से जगह जाती है जहाँ काफी चूहे एक छोटी सी बोरी के आसपास नजर आते हैं। बोरी को हटाने पर लॉरेन एक विच टोटम देखती है और वो उसका तुरंत फोटो खींच लेती है। इस सामान को देख वो समझ जाती है कि यह कुछ काला जादू करके डीमन को बुलाया गया था। वही डीमन डेविड को पजेस किया और आर्नी को, यानी कि इन पर किसी ने शाप डाल दिया था। तभी फादर गॉर्डन बताते हैं कि वॉरेंस को किसी फादर कैस्टनर की मदद लेनी चाहिए जिन्होंने कुछ साल पहले रैमकर्ल के डिसाइपल्स को एक्सपोज किया था और वो अभी रिटायर थे। वॉरेन तभी तुरंत फादर कैस्टनर से मिलने जाते हैं और उन्हें उस काले जादू वाले विच टोटम की तस्वीर दिखाते हैं। कैस्टनर कहता है कि ये टोटम काफी अजीब है और उन्होंने ऐसा तो नहीं लेकिन इससे मिलता टोटम जरूर देखा है। कैस्टनर उन्हें बेसमेंट में ले जाता है जहाँ उसने रैमकल्ट से जुड़े ढेर सारे ऑकल्ट सामान को छिपा के रखा था। कैस्टनर उनकी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाता। तभी हमें बाद में दिखाया गया है उस औरत को जो आर्नी को दिखती थी, जो कोई रिचुअल्स कर रही थी, जो हमें लॉरेंस के विजन्स में दिख रही थी मूवी के पहले सीन्स में। और जैसे ही वो औरत रिचुअल्स करती है तभी वो डीमन जाके आर्नी को जकड़ लेता है, लेकिन गार्ड्स आके उसे बचा लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसी औरत ने डेविड को कर्ज किया था और जब वो रिचुअल्स करती है तब डीमन उसके शिकार तक जाता है। दूसरी तरफ फॉरेंस को एक क्ल्यू मिला था इसलिए वो पहुंच जाते हैं डेनवर्स में सार्जर क्ले को मिलने। वो बताता है कि 4 महीने पहले कैटी और जेसिका अचानक से गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस को कैटी की डेड बॉडी मिली जिस पे 22 बार वार किया गया था, लेकिन जेसिका का अब तक कोई पता नहीं चल पाया था। और खास बात यह होती है कि जेसिका के घर से पुलिस को वैसे ही टोटम मिलता है, यानी कि वो भी पजेस थी। अब लॉरेन क्ले से एक डील करती है कि वो जेसिका को ढूंढेगी और बदले में वो उसे पूरी केस फाइल देगा। वो दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह जहां कैटी की बॉडी मिली थी। लॉरेन अपनी पावर्स और विजन का यूज करके पता लगा लेती है कि जेसिका पजेस हो गई थी और उसने कैटी को मारा था और उसके बाद उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। लॉरेन भी उसी क्लिप पर थी तभी एक डीमन हाथ उसे नीचे खींच लेता है, लेकिन टाइम रहते ही एड लॉरेन को बचा लेता है। उसके बाद उन्हें समझ जाता है कि जेसिका की बॉडी इसी रिवर में हो सकती है। सर्च टीम फौरन ही रिवर में खोज करते हैं और उन्हें जेसिका की बॉडी मिल जाती है। उसी रात डेवी वॉरेंस को कॉल करती है और बताती है कि आर्नी अभी भी पजेस है और डीमन चाहता है कि वो सुसाइड कर ले। इसके बाद हम प्रिज्म में फादर न्यूमन को देखते हैं जो आर्नी को एक होली वाटर की बोतल देते हैं ताकि वो सेफ रहे। इधर वॉरेंस को कुछ समझ आ नहीं रहा था इसलिए वो जाते हैं फ्यूनरल होम में, क्योंकि जेसिका की बॉडी के जरिए वो पता लगा सके कि उसे किसने पजेस किया था। जेसिका का हाथ पकड़कर लॉरेन अपने विजन्स के जरिए पहुंच जाती है उस जगह पर जहां वो औरत ये सब रिचुअल्स कर रही थी। वो एक अंडरग्राउंड टनल थी। वो देख पाती है कि वहां एक अल्टर था जहां ये सब ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। उसका मतलब था कि वो डीमन आर्नी के पास पहुंच गया था। प्रिजन में आर्नी पजेस हो जाता है और उस होली वाटर की बोतल को तोड़कर उस कांच से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर लॉरेन ये सब रोक देती है। जहाँ उसका सामना होता है उस औरत से जिसने उसे वहाँ फंसा लिया था। तभी वहाँ पर एक डेड बॉडी उठ खड़ी होती है जो लॉरेन की तरफ भागती है, लेकिन एड उसे बचा लेता है उसका वो कनेक्शन तोड़कर। उसके बाद वॉरेंस फौरन ही डेबी से मिलने जाते हैं जहाँ उन्हें ड्रोन एक किताब देता है जिसमें उस कर्ज के बारे में लिखा था, जहाँ कर्ज को पूरा करने के लिए मर्डर और एक सुसाइड करना होगा। आर्नी ने मर्डर तो कर लिया है, अब उसे मरना होगा ताकि ये कर्ज पूरा हो सके। इस कर्ज को रोकने के लिए उन्हें वो अल्टर तोड़ना होगा जहाँ से ये सब किया गया था। अब वो सब सोच रहे थे तभी अचानक एड बेहोश हो जाता है। तब उसे बेहोशी हालत में घर में कोई नहीं मिलता सिवाय उस औरत के जो अचानक गायब हो जाती है। तभी एड की तरफ बढ़ती है वही डेड बॉडी। अब एड उसे मारने ही वाला था तभी एड को अचानक होश आ जाता है और वो देखता है कि वो लॉरेन को मारने जा रहा था। जहां हमें पता चलता है कि उस औरत के पास ऐसी पावर है कि
कि वो लोगों को विजन भी दिखा सकती है और उनसे कुछ उल्टी सीधी हरकत भी करवा सकती है। तभी एड जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है, जहां उसे मिलता है एक फ्लावर पॉट जिसके अंदर था टोटम, यानी कि एड भी अब कर्स्ड हो गया था, यानी अब वो मारेगा लॉरेन को और उसके बाद वो सुसाइड कर लेगा। अब तो उन्हें उस अल्टर को ढूंढना ही था, इसलिए लॉरेन उस बुक को लेके जाती है कैसनर के पास, क्योंकि वही था जो उसे पढ़ सकता है। और दूसरी तरफ एड सबूतों को जोड़ने में लगा था। एड को पता चलता है कि वो तीनों टोटम काफी पास थे और लॉरेन ने बताया था जहाँ वो अल्टर है वहाँ पानी टपकता है और ट्रेन की आवाज भी आती है, जिससे मैप देखकर एड को पता लग जाता है कि वो अल्टर और वो जगह कहाँ होगी। वो जगह एक लेक के पास थी। उस जगह को देख एड को पता चल जाता है कि वहाँ फादर कैसनर भी रहते हैं। तभी एड फौरन फादर कैसनर के घर चला जाता है। वहाँ लॉरेन पहले से ही पहुंच चुकी थी कैसनर के पास, जहाँ वो कैसनर को बुक ट्रांसलेट करने कहती है। बुक पढ़कर कैसनर उसे बताता है कि उस कर्स को पूरा करने के लिए उसे तीन विक्टिम्स चाहिए, अ चाइल्ड, अ लवर एंड द मैन ऑफ गॉड, जो थे डेविड, जेसिका और एड। तभी कैसनर लॉरेन को ले जाता है बेसमेंट में, जहाँ वो उसे बताता है कि वो चोरी छिपे एक बच्ची को पाल रहा था, जिसे उसकी पत्नी जन्म देते वक्त मर गई, जिसका नाम था एस्ला, और वो वही औरत होती है जो ये सब कर रही थी। कैसनर ने उस वक्त ऑकल्ट की स्टडी जारी रखी थी, जिसके चलते एस्ला को उसमें काफी इंटरेस्ट आ गया था और धीरे धीरे वो एक सैटनिक बन गई। कैसनर बताता है कि इस घर के नीचे टनल्स है, तो शायद अल्टर भी वहीं पर होगा। वो लॉरेंस को भेज देता है उस टनल में। तभी एस्ला भी वहां पहुंच जाती है, जो अपने पिता का खून कर देती है। और दूसरी तरफ लॉरेन उस अल्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो उस अल्टर को कुछ कर नहीं पाती क्योंकि एस्ला भी वहां मौजूद होती है। तभी लॉरेन की चीखें सुनकर एड भी उस टनल में पहुंच जाता है, जहां उसे लॉरेन दिखती है, लेकिन असल में वो एस्ला थी जो एड पर कुछ फूंक देती है, जिससे एड पजेस हो जाता है। पजेस हालत में एड लॉरेन पे एक हैमर से अटैक करता है और लॉरेन उसे संभालने में लगी रहती है। उसी वक्त एस्ला ऑकल्ट स्टार्ट करती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ प्रिजन में आर्नी पजेस हो जाता है, जहाँ आर्नी खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी डेबी उसे रोकने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ लॉरेन ने एड को रोक लिया था अपनी पहली मुलाकात याद दिलाकर। यहाँ हमें लव की पावर दिखाई गई है। अब एड होश में आ गया था, इसलिए वो तुरंत उस अल्टर को तोड़ देता है और यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन एस्ला के लिए नहीं, क्योंकि उसने डीमन से डील की होती है और उसने उस कर्स को पूरा किया नहीं होता। एस्ला को अपने ही जैसी डीमन दिखती है, जो एस्ला को मार डालती है। इसके साथ यह सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद घर से बाहर निकलने पर पुलिस वहां आ चुकी थी और सब कुछ ठीक हो गया था। अब एड एस्ला के कप को अपनी कलेक्शन में शामिल करता है, जहां हम वीवर्स वलाक की पेंटिंग देखते हैं और एनाबेल को भी। दूसरी तरफ आर्नी की सुनवाई होती है, जहां उसे जेल की सजा होती है। आर्नी जेल में ही डेबी के साथ शादी कर लेता है और 5 साल की सजा काटने के बाद आर्नी जेल से छूट जाता है और आज भी डेबी के साथ अपनी मैरिड लाइफ जी रहा है। तभी हमें मूवी के एंड में वॉरेंस के ओरिजिनल फुटेज और एक्सोसिज्म की रिकॉर्डिंग सुनने मिलती है और यही पर मूवी का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।